हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बना रहे हैं वाटरमेलन का जूस। ज़्यादातर हम जब वाटरमेलन लेके आते हैं, कई बारी वो बीच से बिल्कुल लाइट पिंक होता है और कई लोग उसको फेंक देते हैं, लेकिन उसको फेंकना नहीं चाहिए। उससे आप उसका जूस बना सकते हो। वो जूस कैसे बना सकते हो वो मैं आज आपको बताऊँगी। आपको ये वाटरमेलन लिया है मैंने, और ये 2 बड़े चम्मच चीनी लिया है, और ये 1 छोटा चम्मच काला नमक लिया है, और ये 1/2 नींबू है, और ये मेरे पास पुदीने के कुछ पत्ते हैं थोड़े से, बिल्कुल ये देखिए इतने से ही लिए हैं मैं। अब मैं वाटरमेलन को काटूंगी, और जब आप वाटरमेलन को काटोगे तो इसका कोई भी बीज इसके बीच में नहीं रहना चाहिए। अगर रह गया है तो उसे आप बाद में छन के बाहर निकाल सकते हो। अब मैं इसको काट के इसे पीसेस बनाऊँगी जी। जो 2 चम्मच हमारे पास चीनी थी उसे मैंने पीस लिया है, ये देखिए उसका पाउडर बना लिया है। अब मैं इसी में ये जो मेरे पास 1/2 छोटा चम्मच काला नमक है वो भी मैं बीच में डाल दूंगी, और ये देखिए तरबूज, मैंने इसके सारे बीज मैश करके निकाल दिए हैं। अगर कोई रह गया है उसे मैं बाद में निकाल दूंगी कौन के, ये भी इसके बीच में ही डाल दी। देखिए आपको भी ऐसे इसमें डालना है। अब जो मेरे पास ये पुदीना है वो भी मैं इसी के बीच में डाल दूंगी। ये देखिए ये 1/2 नींबू, ये भी इसी के बीच में मैं ऐसे इसका रस निकाल दिया है। मैं इसमें और भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल रही हूँ। ये गर्मियों के में पीने के लिए सबसे अच्छा जूस है जो होम मेड है। ये देखिए नींबू मैंने इसके बीच में डाल दिया है, और मैं इसमें थोड़ी सी आइस डालूंगी, और इन सभी को इस मिक्सर जार में ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए इसमें पहले आइस इसलिए डाली थी मैंने कि अगर हम आइस इसके साथ डाल देते हैं तो ये देखिए ऐसे इसमें ये झाग सी आ जाती है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है और जूस पीने में भी बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसको वाटरमेलन जूस पीने के लिए रेडी है। आप भी अपने घर में ऐसे ही बनाइए और बच्चों को पिलाइए, और सब आप सब भी पिए। अगर आपको मेरी ये वाटरमेलन जूस की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वाटरमेलन के जूस की रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू।